नमस्कार फैक्ट, और यहाँ पे आपको मिलता है पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से बहुत सारा एंटरटेनमेंट। दोस्तों एंटरटेनमेंट इसीलिए क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में अगर कुछ भी डिस्कशन हो रहा हो हमारे लिए तो ये एंटरटेनमेंट ही होता है। कभी ये भारत की तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं तो कभी कुछ भी बकवास करते हैं, लेकिन कुछ भी हो हमें बड़ा मजा आता है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। हमें ए टू प्ले पे भी फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान रुबाह इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे शुएब अख्तर ने गज़वाए हिंद के हवाले से जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है ये जानते हैं कि गज़वाए हिंद के बारे में भी लिखा गया अटक का दरिया दो दफ़ा रंगीन होगा खून से और अफगानिस्तान की फौजें अटक तक पहुँचेंगी। ये सारी पेशेंगोई उन्होंने की, लेकिन उसके बाद शुमाल मशरक़ से फौजें उठेंगी, थर्ड टोलियों में से लोग आएंगे, उज़्बेकिस्तान से, ये खुरासान की बात की है। खुरासान यहाँ लाहौर तक बनता था, पुराना खुरासान, तो ये तो पढ़ना चाहिए लोग। हाँ, तो फिर वहाँ से शुमाल मशरक होएगी, शुमाल मशरक फौजें निकलेंगे, तब आप वो कश्मीर फतह करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे। वालेकुम। आपका नाम? सईद। अच्छा सर, मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि शुएब अख्तर ने जो गज़वाए हिंद पे स्टेटमेंट दिया, इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? देखें, ये टू अर्ली है, कुछ चीज़ों की परसेप्शन नहीं होती, कुछ चीज़ें कही जा रही हैं, लेकिन यकीनन बहुत सारे जो हमारे कह लें कि किताबें हैं उनमें कुछ गज़वाए हिंद के सिलसिले में चीज़ें लिखी हुई हैं। अब वो कब होना है, किस वक्त उसकी तैयारी होनी है, बट मुझे ये बड़ी प्री मिच्योर और कह लें कि एक उनकी बात लग रही है, लेकिन जब ये वक्त आएगा तो यकीनन अल्लाह पाक उसके असबाब भी बनाएंगे। तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। क्या कितना संजीदा लिया जा सकता है शुएब अख्तर को और गज़वा हिंद को? ऐसी बातें हैं, करंट अफेयर्स इस तरह नहीं होते, पॉलिटिक्स इस तरह नहीं होती, कंस्पिरेसी थ्योरीज हर ज़माने में रही हैं, वक्त आने पर हर चीज़ खुलती है, और अभी बैठे रहें बस सोचते रहें गज़वा हिंद के बारे में, और कुछ ना करें, कौन तरक्की करें दुनिया में, दुनिया पे इकोनॉमिकली राज करें, अच्छे साइंटिस्ट पैदा करें, फिर दुनिया फतह भी कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि उन्होंने बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी है। द टाइम इज़ कमिंग नाउ, आप देख लें कि मुसलमानों के साथ सारा क्या हो रहा है, एवरीवेयर हर जगह मुसलमानों को मारा जा रहा है। तो जब आप प्रेस करते हैं किसी को एक द्वार के साथ, अल्टीमेटली ही हैज़ टू फाइट बैक, तो मुसलमान अभी फाइट बैक करेंगे, जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है UNO की स्पीच में कि आप हमें द्वार के साथ मत लगाएं, उधर ना लेके जाएं कि जब हम फाइट बैक करने के ऊपर आ जाएं, इट विल हैपन इंशाल्लाह। जो मेरा मानना है और जो कुरान पाक पढ़ के मुझे समझ आया ना, जो गज़वा हिंद का जिक्र कुरान पाक में किया गया है उसके मुताबिक जो है गज़वा हिंद हो चुकी हुई है। अभी जो आइंदा जो है ना वो आइंदा नहीं होगी। हम जो जब भी कोई बात होती है तो हम कहते हैं कि जी अब की बार जब गज़वा हिंद होएगा तो हम जो है ना इंडिया को पता बताएंगे। तो मेरा मानना तो ये है कि गज़वा हिंद हो चुकी है। जब जो है ना मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, उन्होंने जब हमला किया था इधर फ़लस्तीन वगैरह पे। का सवाल ये है कि शुएब अख्तर ने गज़वा हिंद के हवाले से जो स्टेटमेंट दी, इस हवाले से आप क्या राय रखते? ऑब्वियसली ये हो गया गज़वा हिंद, और इंशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया पर हुकूमत करेगा। नेमतुल्ला शाह की ये प्रेडिक्शन आज से 300 साल पुरानी है, तब इन्होंने कहा था, गज़वे हिंद का जिक्र है, और उसके बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान की हुकूमत हर जगह होगी, मुसलमान करेंगे हुकूमत। जब इंशाल्लाह लड़ेंगे मुसलमान सारे मुतहिद होके, तो उसमें इंशाल्लाह मुसलमान सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे इंशाल्लाह मुसलमानों का राज होगा इंशाल्लाह। मेरा तो ये ख्याल है कि जो गज़वा हिंद जो पहले ज़माने की जंगें होती थी उस तरह की तो अब कुछ भी नहीं होगी। अब तो एक एक आपने बॉम्ब इधर से उधर फेंकना है और सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, इसलिए हर कोई इस बड़ा सोच समझ के ही करेगा जो भी करेगा जंग लड़ने के बारे में। और अब जो हम अभी भी जो कहना चाहिए कि जो हमारी अभी भी जो जंग और चल रही हैं वो मीडिया से और दूसरी तरीके से जीत रहे हैं लोग, और इसी तरीके से ही हम बाकी चीज़ों को भी जीतेंगे। मगर जैसे पुराने ज़माने की लड़ाइयों की तरह मेरा ख्याल है कि नहीं होगी अब उस तरह की लड़ाई। मैंने अभी तक उनकी स्टेटमेंट सुनी नहीं है, अगर तो सुनने में ऐसी कोई बात है तो मेरा ख्याल है फिर बहुत अच्छी बात है, फिर तो ठीक है, सही है। हमारा कश्मीर आज़ाद हो रहा है जो इतनी ज़्यादा मुश्किलों में है, इतने टाइम से हम उनकी एफर्ट सुन रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा, अगर हो रहा है तो वेरी वेल। आई डोंट थिंक सो कि ये सब होगा, और इस तरह से कुछ भी नहीं होने वाला, कोई जो है जंग वंग नहीं होगी,
और अभी भी ब्रेकडाउन जब हुआ था तो उस पर लोगों ने कहा था कि जंग है, ये है, वो है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब फेक न्यूज़ हैं। और ज़ाहिर है वो लोग सुर्खियों में आने के लिए सब करते हैं और अपने आप को न्यूज़ में इन रखने के लिए, सब बहुत इम्पॉर्टेंट है चीज़ें। थोड़े छोटे छोटी लोगों को शोशा छोड़ो ताकि वो उस चीज़ के पीछे लग जाएं, तो इस तरह आप फेमस भी रहते हो। और बाकी पता नहीं भाई, बस देखें मेरी क्या राय है गज़वा हिंद के बारे में, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं कि जिसने जो गज़वा हिंद में शरीक होगा या उसकी तलब रखे तो उसके लिए जो है जन्नत की बशारत दी है। और जो है आप शोएब अख्तर की बात को इतना हाईलाइट कर रहे हैं, डॉक्टर इसरार साहब ने तो 1980s में जो है गज़वा हिंद के बारे में पेशनगोई दी थी कि ये होने वाली है। अब मकसद कहने का ये होनी तो है, क्योंकि शोएब अख्तर की बात की वजह से नहीं कह रहा हूँ या किसी और की बात की वजह से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है तो वो तो हमें ब्लाइंड फेथ है उस पर कि वो होनी है, तो उसके बारे में मेरी क्या राय होगी, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया है तो बस होनी है। कोविड की जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग मेरा नहीं ख्याल कि जंग होगी, क्योंकि हम लोग भी न्यूक्लियर पावर हैं और वो भी न्यूक्लियर पावर हैं, और इस टाइम तो सिर्फ एक हम लोग जानी इंसानी ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस पेंडेमिक से हम लोग छुटकारा हासिल कर सकें। सर बेसिकली आज का मेरे प्रोग्राम का सवाल ये है कि जो शुएब अख्तर ने गज़वाए हिंद के बारे में जो स्टेटमेंट दिया है उस हवाले से आपकी क्या राय? आई हैवंट हर्ड द स्टेटमेंट कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है, कि वैसे गज़वाए हिंद जहाँ तक आई नो अबाउट इट सोशल मीडिया पे लास्ट आई थिंक मंथ से ये बड़ा चर्चा हो रहा है कि कोई इंडिया और पाकिस्तान की इफ़ दैट इज़ हाउ इट्स गोइंग टू हो रही है, और कोई हदीस को कोट करते हैं। सो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान और इंडिया किस किस्म की वॉर हो सकती है, बोथ आर न्यूक्लियर पावर्ड नेशंस और इट वुड बी सुसाइड टू डू दिस एंड सेंस विड प्रिवेल। सो मेरे ख्याल से दिस इज़ टोटली अटरली नॉनसेंस के कोई जंग होगी और जो लोग जज्बाती हो जाते हैं कि हम जीत जाएंगे या वो जीत जाएंगे। इन अ न्यूक्लियर वॉर नोबडी इज़ अ विनर, सो दिस थिंग इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। और अगर ये कोई वीक किस्म की हदीसों वगैरह को कोट करते हैं तो आई थिंक दैट इज़ टोटली रॉन्ग। सो मेरा अपना जो ओपिनियन है वो ये है कि ये सब बातें हैं, पाकिस्तान इंडिया विल नेवर गो इनटू अ न्यूक्लियर या इतनी बड़ी वॉर जिस तरह ये गज़वा सुनाते हैं, नेवर। हाँ ये हो सकता है क्रॉस बॉर्डर फिल्ट्रेशन हो जाए, वो थोड़ा सा एक्शन कर ले, हम थोड़ा सा कर लें, इस तरह की चीज़ें जस्ट फॉर पॉलिटिकल और गेन्स ये चीज़ कर सकती है, बट दिस इज़ ऑल नॉनसेंस एंड दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन एटलीस्ट इन माय ओपिनियन। देखें बीइंग अ मुस्लिम उसने ठीक ही स्टेटमेंट दी है कि गज़वा हिंद होना है, लेकिन उसका भी ये नहीं आइडिया कि कब होगा, किस टाइम पर होगा, अभी वो वक्त पूरा नहीं हुआ। देखिए जहाँ तक मेरा नॉलेज है ना, गज़वा वो होता है कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद शिरकत की होती है या उन्होंने किसी को नॉमिनेट किया होता है, ठीक है। तो अब ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना मतलब अभी मौजूद हैं और ना ही उनका कोई ऐसा नॉमिनी है, तो फिर गज़वा तो नहीं, अलबत्त आप कोई जंग कह सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जंग या कोई जंग कह सकते हैं। गज़वा में तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल होते हैं। गज़वा जो कहा जाता है ना, गज़वा की तारीफ़ ये है कि उसमें नबी सल्लम हो या उनके कोई नॉमिनी हो या उनके वो यानी किसी को उन्होंने अलम पकड़ाया हो जी कि आप जो है ना इसको कमांड करें। पहली बात ये कि वो स्टेटमेंट ही गलत है ना, अगर उन्होंने गज़वे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो वो स्टेटमेंट ही गलत है। जो कश्मीर का इशू जो इन्होंने बनाया हुआ है ये सिर्फ पॉलिटिकल रीज़न है, कुछ भी नहीं होने वाला। ये जो है दोनों जो मुल्क हैं इसके ऊपर रोटियाँ खा रहे हैं, हालांकि इतना जो है एजुकेशन का बजट नहीं होता जितना आर्मी का बजट होता है। तो मेरा मानना ये है कि जो है ना जो जैसे है उसे वैसे छोड़ देना चाहिए, वो बेहतर है दोनों मुल्कों के लिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हिंदुस्तान को फतह करने के लिए गज़वा हिंद होगा, मगरिब से लश्कर आएगा, ठीक है, वो हमारे साथ होगा, हम उसको ले कर जाएंगे चलेंगे, जिसको एज़ आज कल आप जैसे जिसको आप तालिबान कहते हैं, खुरासान तक क़यामत के रोज़ तक यानी कि खुरासान का जो एरिया ना वहाँ पे जंग जारी रहेगी, और खुरासान की पट्टी मशरक वस्ती हो गया सारा, अफ़गानिस्तान की बॉर्डर लाइन सवात के ऊपर ऊपर वाला एरिया है, तो गज़वा हिंद की तैयारी कर रहे हैं भी नहीं होगी, बिकॉज जिस तरह की ऑल आउट वॉर करते हैं इस्लाम वर्सेस वट एवर हिंदुज़म और वट एवर, कभी भी नहीं होगी। आजकल नेशंस आर नॉट रिलीज, एक तो ये जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म हमारी कंट्री में फैला हुआ है ना कि वी सी एवरी वॉर एज समथिंग बिटवीन इस्लाम एंड कुफर, एक तो ये सारी परस्पेक्टिव ही गलत है। सारी वॉर्स जो होती हैं पोलिटिकल या फाइनेंशियल
फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम वर्ल्ड वॉर अगर आप देखें तो उनके पीछे फाइनेंशियल होता है, ट्रेड वॉर्स होती हैं, और फिर वो जब ज़्यादा हो जाती हैं तो देन दे गो इन टू दीज फिज़िकल वॉर्स। सो नंबर वन, ये रिलीजियस टाइप की तो चीज़ है ही नहीं। अगर इंडिया पाकिस्तान की कोई चीज़ होगी भी तो इट्स गोइंग टू बेस्ड ऑन जियो स्टेटिस्टिकल पावर्स। हमारे पीछे चाइना है, उनके पीछे USA एंड अदर पावर्स हैं। सो दीज आर ग्लोबल स्ट्रेटजीज विच आर एट प्ले, एंड इंडिया एंड पाकिस्तान विल नेवर गो इन टू अ फुल फ्लेज्ड वॉर ऑफ एनी सॉर्ट। जंग तो किसी की भी फेवर में नहीं होती, ठीक है। हाँ, ये है कि यूनाइटेड नेशन के जो रेजोल्यूशंस हैं उस पे अमल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी ऐसा इशू है, जैसे कश्मीर का मसला है, उसके अलावा पानी का मसला है, तो ये सारे मसलों के ऊपर डिसीजन भी हो चुके हैं, शिमला मुआहदा भी हो चुका है, उसके अलावा यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके रेजोल्यूशन भी आ चुके हैं कि जिसके अंदर कश्मीरियों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो एक्सेप्ट किया गया है वर्ल्ड वाइड, तो बस उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी। जी तो नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा YouTube चैनल, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है इसे ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं कोई भी टॉपिक तो मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो करें, और वहाँ जाके मुझे मैसेज कर आप कोई भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी उस टॉपिक पर आएगी। थैंक यू वेरी मच।